हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कमाल की है। और ये आज की जो वीडियो है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखना चाहते हैं, इस पर प्रैक्टिकल जिन्हें नहीं आता है, इसके अंदर फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा डिज़ाइन व्यू क्या होता है, इसके अलावा डेटा शीट व्यू क्या होता है, और इसके साथ साथ रिपोर्ट क्या होता है, क्राइटीरिया रेंज क्या होती है या क्राइटेरिया क्या होती है, इन तमाम बातों पर हम करने वाले हैं डिस्कस। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं, क्लास 8 में हैं, 10th में हैं, 9th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और भी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो लोग डेवलपर हैं उन लोगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फुल वीडियो ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेस होता क्या है। तो देखिए, एक्सेस जो है, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, मेरे पास एक्सेस का 365 वर्जन है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। आपके पास शायद 2007 होगा, या 2016 होगा, या 2021 होगा, या 365 है तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो ये इस तरीके का सिनेरियो आएगा। जब ऐसा आ जाएगा तो आपको करना क्या है, ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ब्लैंक डाटाबेस दिखाई दे रहा है, बस इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब इस डेटाबेस का नाम चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम कुछ और देना चाहें तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना चाहता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो ये स्टूडेंट आर कर दिया हमने और एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये सिनेरियो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये सिनेरियो आएगा तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें व्यू पे क्लिक करना है। आप देखिए इसमें दो व्यू दिखाई देंगे, एक डिजाइन व्यू, दूसरा डेटा शीट व्यू। तो हमें डिजाइन व्यू पे जाना है। ये जो डिजाइन व्यू आपको दिख रहा है, बस हमें यहीं पे जाना है और क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक टेबल क्रिएशन होगा, यहाँ पे पूछ रहा है टेबल का नाम आप क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट टी, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको आईडी दिखाई देगी। अब ये जो आईडी है ना, इस आईडी को कन्वर्ट करना है स्टूडेंट आईडी में, तो इसको हटा करके हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट लिख के अंडरस्कोर करके आईडी। और ये तो बताने की जरूरत नहीं कि ये प्राइमरी की है, यानी ये प्राइमरी की है, यानी यहाँ पे यूनिक वैल्यू ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर तो क्या कर देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ये अंडरस्कोर लगाइएगा, डैश वाले जो बटन होता है उसी पे अंडरस्कोर भी होता है, और ये आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। सॉरी, नेम ऑफ स्टूडेंट होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर स्टूडेंट के सब्जेक्ट का नाम आएगा, तो अलग अलग सब्जेक्ट का नाम आप दे सकते हैं चाहे तो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कंप्यूटर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगला सब्जेक्ट इंग्लिश दे देते हैं, ENGLISH, ठीक है। यहाँ पर अगला सब्जेक्ट दे देते हैं कंप्यूटर, COMPUTER, और यहाँ पर क्या करते हैं, अगला सब्जेक्ट दे देते हैं लाइक यहाँ पे कर देते हैं SST, तो ये हो गया SST, ठीक है। और ये चार सब्जेक्ट हो गए, और फिर लास्ट वाला सब्जेक्ट अब देना है मैथ, तो यहाँ पे MATHS मैथ कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये पांच सब्जेक्ट हो गए। लेकिन इसमें देखिएगा, ये जो नंबर हम दे रहे हैं इसमें हमें डेटा टाइप चेंज करना है, यहाँ नंबर रखना है, क्या रखना है, नंबर। आप इंटीजर भी रख सकते हैं, अगर आप SQL व्यू के थ्रू जा रहे हैं तो आप वहाँ इंटीजर भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर आपको रख देना है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको भी नंबर बना लेना है, तो ये हो जाएगा। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, और कंप्यूटर एक बार दिया जा चुका है तो यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे साइंस कर देते हैं, SCIENCE साइंस कर देते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, ऑटो नंबर लिया था तो नंबर खुद से ये देता जाएगा, स्टूडेंट आईडी ये खुद से एंटर करेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा। जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम रख लेते हैं गौरव, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जो भी मार्क्स हैं इनके वो यहाँ पे आप देते चले जाइएगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्क्स एंटर हो जाएंगे। इसी तरीके से और भी जो स्टूडेंट हैं उनके भी मार्क्स हम एंटर करेंगे नाम लिख करके, ठीक है। तो ये एक और स्टूडेंट, और यहाँ पर जो है मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से मार्क्स आपको एंटर करने हैं, ठीक है, बहुत आसानी के साथ आप ये करते चले जाएंगे। यहाँ पे एक और नाम है सुरेश, तो इनका भी मार्क्स यहाँ पे एंटर होगा, तो जो भी ये मार्क्स पा रहे हैं यहाँ पर आपको एंटर करवाना है, ठीक है, मार्क्स आपको एंटर इस तरीके से कर देने हैं, ठीक है। अब लेकिन एक समस्या तब खड़ी हो जाती है जबकि हम
बात करते हैं कि यहाँ पे टोटल करना है, तो टोटल कैसे करें, तो टोटल के लिए आपको क्वेरी बनानी होती है जैसा कि जानते हैं आप। लेकिन ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365। अगर आप 2019 या उससे अधिक का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहीं पर कैलकुलेट करने की सुविधा मिल जाती है। डिजाइन व्यू पे वापस चलते हैं और यहां पर क्या करेंगे, हम देंगे क्या टोटल मार्क्स, तो यहां पर कर देते हैं टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है, MARKS, टोटल मार्क्स हो गया। और यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको क्या देना है, यहां पर आपको देना है कैलकुलेटेड डेटा टाइप। कैलकुलेटेड डेटा टाइप को जैसे ही चूज करेंगे ये विंडो ओपन होगी एक्सप्रेशन बिल्डर वाली। यहां पर आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बना करके इसके अंदर सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। देखिए सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है लेकिन नाम आपका करेक्ट होना चाहिए जो आपके फील्ड में दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं ये फील्ड नेम जो दिया गया है यही नेम आपको लिखना है, कैपिटल स्मॉल का भी फर्क नहीं आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये इंग्लिश हो गया, प्लस का निशान लगाइए, साइंस हो जाएगा SCIENCE साइंस, ठीक है, और साइंस लिख करके ब्रैकेट को क्लोज करके और यहाँ पे प्लस का निशान फिर लगाएंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पे SST देना है, तो यहाँ पे कर देते हैं SST। तो देखिए यहाँ पे SST आ रहा है तो इसी को हम ले लेते हैं, टैब बटन प्रेस करके प्लस का निशान लगा लेते हैं। फिर क्या बचा है, मैथ्स बचा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट बना करके यहाँ पे दे देते हैं मैथ्स, MATHS, तो ये हो गया मैथ्स। और इस तरीके से करके और यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है, ओके जैसे ही करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, AVERAGE, एवरेज, ठीक है। और एवरेज कैलकुलेट करने में हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे नंबर रखना है, हम नंबर रख सकते हैं या यहाँ पे कैलकुलेटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस बार कैलकुलेटेड का ही इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे टोटल आएगा, टोटल मार्क्स है ना, तो जो है वही आपको लिख देना है। तो ये हो गया टोटल अंडरस्कोर MARKS मार्क्स, ठीक है, और इसको बंद करके और इसको डिवाइड करना है। तो आपको पता है कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट हैं, तो इसे 5 से डिवाइड कीजिए, 6 होते तो 6 से डिवाइड करते, 7 होते तो 7 से डिवाइड करते, ठीक है ना। और यहां से ओके कर देना है आपको, जैसे ही ओके करेंगे तो ये काम हो जाएगा, यानी टोटल मार्क्स के बाद एवरेज भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। एवरेज को कैलकुलेट करने के बाद यहां पर क्या करना है, यहां पर हम ग्रेड भी कैलकुलेट करेंगे, तो GRADE ग्रेड हम यहां पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। आप यहां पर स्विच फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पे हम कैलकुलेटेड ही डेटा टाइप लेंगे, चाहे तो स्विच फंक्शन लगाइएगा तो वो ज्यादा इजी कर देगा आपके। आई इफ का ही इस्तेमाल करेंगे और आई इफ लगाएंगे, देखिए एक्सेल में केवल इफ होता है, यहां आई इफ हो जाएगा, और एवरेज के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 देंगे, कॉमा डेविटेड कॉमा में A++ कर देते हैं, तो ये ग्रेड आएगा। अगर 85 या 85 से ज्यादा मार्क्स अगर आया हो तो A++ ग्रेड आएगा, कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे आई इफ लगाएंगे और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करके एवरेज AVERAGE एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 75 होगा और कॉमा लगाएंगे, डेविटेड कॉमा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहां पर हम देंगे कौन सा ग्रेड, यहां पर हम दे देते हैं बी ग्रेड, ठीक है, यहां पर ए ग्रेड दे देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड नहीं बल्कि ए ग्रेड दे देते हैं, कॉमा लगाते हैं, आई इफ फिर लगाएंगे और आई इफ लगा के वही एवरेज देंगे, AVERAGE, तो यहां पर RAGE करना है, तो AVERAGE, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज, और एवरेज जो है यहां पर इसको बंद करेंगे और इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे, अब 65 कॉमा लगाएंगे और डबल कॉमा में क्या दे देंगे, डबल कॉमा के अंदर दे देंगे बी ग्रेड, ठीक है, और बी ग्रेड देने के बाद यहां पे लगाएंगे कॉमा और आई इफ फिर लगाएंगे और फिर यहां पे एवरेज AVERAGE एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब यहां पर देंगे हम 55, ठीक है, कॉमा, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, सी ग्रेड आएगा, फिर यहां पे कॉमा लगाएंगे, फिर आई इफ लगाएंगे और फिर यहाँ पे एवरेज देंगे, AVERAGE एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो यहाँ 50 देंगे। और लास्ट में दो कंडीशन होती है, ये मैंने हर वीडियो में लगभग बताया है, जो भी वीडियो इस पर रिकॉर्ड की है मैंने, हर वीडियो में मैंने बताया है कि इफ में दो कंडीशन होती है, ट्रू की और फॉल्स की, इवन प्रोग्रामिंग में भी मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ग्रेड हो जाएगा और डी ग्रेड के बाद कोई ग्रेड नहीं होगा, अगर उससे कम बच्चा पाता है यानी 49% या 50 से लेस जो भी पाएगा वो बच्चा क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो कितने इफ आए थे उतने इफ को यहाँ पे क्लोज करना है आपको, यानी उतने ब्रैकेट क्लोज करने हैं, तो 1 इफ 2 3 4 5,
पांच ही फाइव थे तो पांच ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिए हैं, और यहां से ओके कर देना है, और ओके करके यहां से व्यू पे क्लिक करके यहां से ओके कर देना है। तो अब देखेंगे कि टोटल मार्क्स के साथ ग्रेड भी कैलकुलेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो रही कैलकुलेशन वाली बात, और भी कोई चीज कैलकुलेट करनी हो तो आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ये मैं एक्सेस की बात कर रहा हूं, यानी अभी हम बेस डेटाबेस पर नहीं आए हैं, ये काम आप बेस डेटाबेस में भी कर सकते हैं, सेम यही काम, ठीक है। अब यहां पर क्रिएट पे चलना है, और ये तो हमारा हो गया टेबल, यहां पर हमने कोई भी क्वेरी नहीं बनाई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर फॉर्म विजिट से चलेंगे, विजिट से चल के फॉर्म बना सकते हैं, या आप यहां से भी जा सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा, या फॉर्म डिजाइन भी कर सकते हैं, तो फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। ये डिजाइन पे जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको एड एग्जिस्टिंग फील्ड नजर आएगा, तो डबल क्लिक करके आ जाइएगा, और इस पर भी डबल क्लिक कर लीजिएगा। तो पहले स्टूडेंट आईडी हमें चाहिए, ठीक है, फिर क्या चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जो भी चाहिए उस सबको एक साथ आपको ऐसे ऐसे ड्रैग करके लाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ड्रैग करके लाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आपको ये देखना होगा कि इसको रिसाइज भी करना होगा, तो यहां से जाकर के इसको छोटा बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। और यहां से कंप्यूटर का मार्क्स आ जाएगा, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ, एट लास्ट टोटल मार्क्स, एवरेज और ग्रेड भी लेके आएंगे। तो ये टोटल मार्क्स हो गया, एवरेज हो गया और ग्रेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप ये करेंगे, और अब हम इसको सेव कर लेते हैं यहां से। तो ये सब करने के बाद आपको यहां से थोड़ा इसे ड्रैग कर लेना होगा, क्योंकि देखिए ग्रेड जो है नीचे आ रहा है। आप इसकी भी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, विथ बढ़ा सकते हैं, और विथ बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, जैसे ये स्टूडेंट आईडी है, फिर ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट को यहां लेके आ सकते हैं, यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं किस प्रकार से। और यहां पर इसकी विथ बढ़ा सकते हैं, और विथ बढ़ा करके थोड़ा सा इसमें सेपरेशन कर सकते, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहेगा तो ठीक दिखेगा, ठीक है। फिर यहां कंप्यूटर साइंस का मार्क्स आ गया, ठीक है, फिर यहां पर इंग्लिश का मार्क्स आ गया, फिर यहां पर लाइन से मार्क्स आते चले जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये देखिए यहां पर आएगा, ठीक है, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स यहां आ गए, बाकी तीन के आप यहां लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, और ये दो का यहां पे आ गया, और नीचे यहां पे टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स को यहां लेके आ गए, फिर यहां पर एवरेज लेके आ गए हम देख सकते हैं, फिर यहां पर ग्रेड लेके आ जाएंगे, तो ये ग्रेड हो गया, यानी हर एक चीज काफी परफेक्ट यहां पर बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर फॉर्म के अंदर क्लिक करके, और कुछ चीजों की सेटिंग हमें करनी है। सेटिंग क्या करना है, सेटिंग करना यहाँ प्रॉपर्टी शीट पे जाके, यहां से फॉर्म पे जाके, ये फॉर्म हो गया, और यहां से पॉपअप को आप पहला काम की यस कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से पॉपअप दिख नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा यहां से ड्रैग करेंगे तो ये दिखने भी लगेगा, और यहां से इसे यस कर लीजिएगा, यस करेंगे तो एक काम और आपका हो गया। अब यहां पर वापिस से फॉर्म पे जाके, ये देखिए ये फॉर्म है हमारा, फॉर्म पे जाके क्लिक करके यहां पर क्या करना है आपको, कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए यहां से बैकग्राउंड कलर यहां से भी चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी शीट में भी जाके आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाला कलर रख देते हैं, और पूरे को हम डार्क बनाएंगे, तो कंट्रोल ए करके, और यहां पर हम डार्क कलर जो है चूज करेंगे, तो ये डार्क कलर हो गया, और डार्क कलर होने के बाद इसे बोल्ड बना लेंगे, और बोल्ड बना करके क्या करना है, जैसे बोल्ड बनाएंगे तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्लिक करके ये देखिए ये हो गया। अब यहां से हम व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और व्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक रिजल्ट जैसा इन्वायरमेंट आपको यहां पर दिखता है, ये देख सकते हैं, ये एक तरह का रिजल्ट ही है आपका, देख सकते हैं ना, तो ये एक रिजल्ट तैयार हो जाता है आपका, और कुछ इस तरीके से। लेकिन इसमें कुछ और भी सेटिंग्स तो रह ही गई हैं, क्या रह गया है आइए देखते हैं। यहां से चलेंगे और इसे वापस से डिजाइन व्यू पे लेकर के, और यहां पर देखिए यहां पर फॉर्म डिजाइन के अंदर हम हैं, ठीक है, यहां पर आपको मिलता है कंट्रोल, ये कंट्रोल आपको दिखाई दे रहा है, इस कंट्रोल पे जब जाइएगा तो यहां पर बटन मिलेगा। अब ये बटन हमें बनाना है, जैसे यहां पर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से कर्सर बन जाएगा हमारा, और यहां पर ड्रैग करिएगा, माउस का लेफ्ट बटन दबा के खींचिएगा तो यहां पर एक बटन बन जाएगा। अब ये बटन किस चीज का होगा ये आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे हमें गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन चाहिए तो क्लिक किया और इसे टेक्स्ट रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहां से फिनिश कर देंगे, तो ये गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन हमने बना लिया, ठीक है। अब दूसरा भी बटन हम बनाना चाहते हैं जिसका जो कि यहाँ पे फिर वापस कंट्रोल पे जाके फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अब गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड का एक और बटन हम बना लेते हैं, यहाँ से आप बटन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए यहां पर क्लिक करके यहां से नेक्स्ट करेंगे और यहां से टेक्स्ट करेंगे और यहां से नेक्स्ट करके यहां से फिनिश कर लेंगे, तो ये गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड का भी एक बटन बन करके
तैयार हो गया। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, व्यू पे क्लिक कर देना है। तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने नजर आएगा। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये दूसरा रिकॉर्ड, फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तीसरा रिकॉर्ड, फिर ऐसे करके ये नेक्स्ट होता जाएगा। प्रीवियस पे जाएंगे तो ये प्रीवियस भी करेगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बन जाएगा और इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद अब हमें रिपोर्ट डिजाइन करना है। लेकिन अब रिपोर्ट डिजाइन करना है तो रिपोर्ट भी हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर ही है ये, देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको पहले क्लोज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर ही है, और ये प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन भी बन करके तैयार है। तो डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर एक तरह का हमने बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से रिपोर्ट डिजाइन करते हैं। तो क्रिएट पे जा करके और यहाँ पर रिपोर्ट विजर्ड से चलेंगे, विजर्ड से। और विजर्ड से भी जाने के पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेरी बनाएंगे। तो क्वेरी, क्वेरी डिजाइन से नहीं, इस बार हमें क्वेरी विजर्ड से बनानी है। विजर्ड पे जा करके और ये पहला सिंपल क्वेरी विजर्ड ही लेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पर हम ये सारी ही वैल्यू लेंगे, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। और ये क्वेरी स्टूडेंट टी क्वेरी के नाम से आ रही है, इसे मॉडिफाई करके फिनिश करेंगे। जब मॉडिफाई करके फिनिश करेंगे तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे स्टूडेंट के बेस पर। तो ये क्राइटेरिया आपको दिख रही होगी, तो क्राइटेरिया वाले में जा करके यहाँ पर हम फॉर्म के अंदर जाएंगे तो यहाँ फॉर्म आ जाएगा अपने आप। अब आप एक्सक्लेमेशन लगाइएगा और हमें स्टूडेंट एफ यानी स्टूडेंट फॉर्म के अंदर सर्च करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन फिर लगाइए और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिए। और यहाँ पर किसके बेस पे सर्च करना है, तो स्टूडेंट आईडी के बेस पर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी आ भी जाएगा एस प्रेस करते ही। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद यहाँ से इसको सेव करिएगा। तो इस क्वेरी को सेव ऑलरेडी हमने कर रखा है स्टूडेंट टी क्वेरी के नाम से। अब ये हो गया काम। अब इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा अब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके अब रिपोर्ट डिजाइन करेंगे। तो ये रिपोर्ट विजर्ड में जाना है और यहां से स्टूडेंट टी क्वेरी को उठाना है और ये सारे रिकॉर्ड हमें चाहिए होंगे। और यहां पे जाके नेक्स्ट करेंगे और स्टूडेंट आईडी को हम देंगे प्राथमिकता, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके इसे आप आउटलाइन में रखना चाहते हैं, ब्लॉक में रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी रखना चाहते हैं। यहाँ पे दे करके और इसको स्टूडेंट रिपोर्ट नाम दे दीजिएगा, स्टूडेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट भी हमने डिजाइन किया और यहां से फिनिश करिएगा। तो जब आप फिनिश करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ इस तरीके से ये डिजाइन होकर रिपोर्ट आएगी आपकी। लेकिन रुक जाइए, यहां पर जो है इसमें अभी काफी सारी सेटिंग्स बाकी हैं। क्या सेटिंग है, यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा करिएगा, फिर यहां पर आइएगा तो यहां पर भी आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना, इस तरीके से करिएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम ईजी वे में इसको देखिए, बहुत ईजी है ये बनाना, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद तो 100% गारंटी है कि आपको ये चीजें आ ही जाएंगी, आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आकर के अब क्या करते हैं, यहां से इसको रिसाइज करते हैं। तो रिसाइज करने के लिए आपको यहां से इस तरीके से थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और फिर ये पूरी तरीके से रिसाइज भी हो जाएगा। अब रिसाइज जब हो जाए तो क्या करना है, रिसाइज जैसे ही हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको थोड़ा सा ड्रैग करना है इस साइड, ठीक है। अब ये इंग्लिश है, साइंस है, दोनों आपस में जो है ये इस तरीके से है। तो इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करके देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये मार्क्स है तो इसको भी थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। और ये मैथ्स है तो थोड़ा सा ग्रेड को हम देखिए, ग्रेड का जो कॉलम है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको छोटा करके थोड़ा सा इधर की तरफ खिसकाएंगे, यानी इधर की तरफ लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ स्पेस हो गया, अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा इधर की तरफ खिसकाते हुए आएंगे और एवरेज के कॉलम को भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो इतना ठीक है। और ये मार्क्स है टोटल मार्क्स, तो इसका कॉलम भी अपने हिसाब से रहेगा, छोटा बड़ा जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो ग्रेड है ना, इसको थोड़ा सा और इधर करके और थोड़ा सा छोटा हम रखने वाले हैं, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे। और फिर एवरेज को भी आपको सही करना होगा, ये जो दिख रहा है ना, तो ये भी आपको सही करना होगा। तो यहाँ से आप छोटा बड़ा करके इसको भी सही कर लीजिएगा, जैसे भी सही होता हो इसको भी आप सही कर लेंगे। और यहाँ से जब व्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन से वाले स्टूडेंट आईडी का, तो हम वन वाले का देखना चाहते हैं, तो वन लिख करके एंटर कीजिएगा। वन वाले का पूरा रिपोर्ट आपके सामने है, देख सकते हैं ना, ये रिपोर्ट कार्ड है और वन वाले का रिपोर्ट कार्ड है। किसका रिपोर्ट कार्ड है, वन वाले का, ठीक है। इस तरीके से ये रिपोर्ट कार्ड बन जाएगी, ठीक है। आप क्वेरी में सेटिंग करेंगे थोड़ा सा तो और बेहतर तरीके से रिपोर्ट कार्ड डिजाइन भी कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पर अगर वन रखते हैं हम, तो ये देखेंगे कि वन वाला ही केवल यहाँ पे जो है डिटेल आ रहा है, ठीक है।
और चूंकि फॉर्म है तो फॉर्म में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा, और जब इसी के लिए रिपोर्ट जनरेट होगी तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप लिब्रा ऑफिस ओपन ऑफिस कैल्क में बेस डेटाबेस में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है,